नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल में सेट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं कैप्सिकम को ग्रेट कर रही हूँ। मैं इसको क्यों ग्रेट कर रही हूँ आगे देखते हैं वीडियो में। मैं इसको बिना ऑयल के रोस्ट कर लूँगी। तब तक जब तक ये रोस्ट होता है 2 मिनट तक, हमने बॉयल पोटैटोज लिए हैं उसको मैं पेल कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 5 बॉयल पोटैटोज लिए हैं, उसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज बनाने वाली हूँ हेल्दी और टेस्टी और बच्चों का फेवरेट सैंडविच, उसको देखो मैंने किस तरह बनाया है। इसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। उसके लिए मैंने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए: ग्रीन चटनी, सॉस, घी, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, ग्रीन और कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, चीज़, प्रोसेस्ड रॉब ऑनियन, और जो मैंने कैप्सिकम रोस्ट करा था वो, और ब्राउन ब्रेड लिए जिससे मैं सैंडविच बनाने वाली। तो ये देखिए, जो मैंने मैश करा था आलू, उसमें मैंने मिला दिया है ये सारा चीज़, ऑनियन और कैप्सिकम। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब मैंने इसमें ग्रीन कोरिएंडर जो कट करा था वो मैंने वो भी डाल दिया है, और ये ग्रीन चिली भी डाली है इसमें मैंने, अब ब्लैक पेपर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो मैं ये सैंडविच में जो मैं फिलिंग यूज़ करने वाली वो मैं अच्छे से हल्का हल्का सा हम मिला लेंगे। और ये देखिए, अब जो मैंने चाट मसाला लिया था ये सब मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, रेड चिली भी 1/2 टीस्पून ली है। तो ये अच्छे से हम मिला लेंगे। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे। हमने इसमें वाइट सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून, आप अपने स्वाद अनुसार डाल कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए, हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो इस सैंडविच के लिए मैंने ब्राउन ब्रेड ली, बहुत ही हेल्दी होती है और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है ये जो सैंडविच बनने वाला है। इसमें हमने इसको ऑयल का बिल्कुल यूज़ नहीं करा है, सिर्फ इसको जब हम तवे में सेकेंगे उसमें हमने घी लगाया है। मसाला रेडी करने में हमने कोई ऑयल का यूज़ नहीं करा है। अब ये देखिए, जो मैंने ग्रीन चटनी ली है उसको मैं ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई है इसमें मैंने अदरक, ग्रीन कोरिएंडर, और मैंने इसमें डाले हैं गार्लिक के जो पत्ते होते हैं ग्रीन, मेरे गार्डन के वो डाले हैं, और ग्रीन चिली ली है। तो ये जो हमने चटनी बनाई है बहुत ही चटपटी है ये। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने किस तरह अच्छे से ब्रेड के ऊपर लगा स्प्रेड कर दिया है सारा का सारा चटनी। अब मैंने सॉस भी डाल दिया है, आप चाहें तो सॉस को स्किप भी कर सकते हैं, पर अभी इसमें सॉस डालेंगे तो सैंडविच का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अभी ये देखिए, अब मैं जो मैंने फिलिंग रेडी करी है वो मैं अब इसके ऊपर डाल दूँगी। हमने फिलिंग अच्छे से लगानी है इसके चारों कॉर्नर तक। इससे सैंडविच बहुत ही टेस्टी हेल्दी बनेगा, बच्चों को बहुत स्वादिष्ट लगेगा ये। चीज़ डालने से तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही हेल्दी सैंडविच बनने वाला है ये। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई मेरी सैंडविच की, तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी जो भी वीडियोज़ हैं आगे आपके पास ज़रूर पहुँचे। ये देखिए, मैंने दूसरी स्लाइस भी ऊपर रख दी है। अब मैंने जो मेरा डोसे का तवा है मैंने रेडी कर लिया है, गर्म कर लिया है। उसमें मैंने देखिए घी स्प्रेड कर दिया था, वो गर्म हो गया। मैंने इसमें ब्रेड की जो स्लाइसेस फिल करके रखे सैंडविच के लिए मैंने डाल दिए हैं। अभी मैं दोनों साइड इसको अच्छे से ये देखिए ब्राउन कर लूँगी। और ये देखिए, ब्राउन ब्रेड होने के कारण ये जल्दी से मतलब दिख रहा है कि कितना ब्राउन हो गया। और हम इसके लिए वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम समय में रेडी होने वाला सैंडविच है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अब बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है, उनके लंच बॉक्स में हम दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी कम समय में तैयार होने वाला ब्रेकफास्ट है, इवनिंग स्नैक्स है। ये देखिए कितना टेस्टी, कितना अच्छा लग रहा है अंदर से। अगर आप मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।